गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को साफ़ी सिरप के बारे में बताने वाला हूं, इसलिए मेरी वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई, सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ सपोर्ट कर दो मेरा, प्लीज़ लाल वाला बटन दबा लीजिए, ठीक है, और घंटी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक मिलती रहे। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर राशु, आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसका मैन्युफैक्चर कंपनी, कौन सी कंपनी इसे मेडिसिन को बनाती है। तो दोस्तों, इसे हमदर्द कंपनी बनाती है, जो कि आप लोग सब जानते होंगे, लगभग हमारा पूरा भारत, हमारा पूरा हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि हमदर्द कंपनी है, बहुत ही बड़ी और बहुत अच्छी कंपनी है। दोस्तों, कंपनी ने इसका साफ़ी नाम रखा है। चलिए अब हम इसका यूजर्स जान लेते हैं, किस काम में आता है। जैसे दोस्तों, कोई पिंपल्स वगैरह से परेशान है, दाग धब्बे से परेशान है, खाज खुजली से परेशान है ना, खून की मिठास से परेशान है, बहुत तरह का कील मुहासे हो जाते हैं, घाव हो जाता है ना, तो इन सब चीज़ों से परेशान है, तो है ना। तो दोस्तों, ये दवा जो है ब्लड का प्योरीफायर करता है, प्योरीफिकेशन करता है ना, खून को तीता बनाता है, खून का प्योरीफायर करके खून को मिठास हटाकर तीतापन लाता है ना, तीतापन लगाता है। ब्लड का सिंपल ही आप समझ लो, ब्लड का प्योरीफिकेशन करता है। ब्लड की जितनी गंदगी होती है ना, ब्लड का हर एक इन्फेक्शन को दूर करता है ये, ठीक है ना, खून को तीता करता है। और जो पिंपल्स है, मुहासे है, किसी तरह का पिंपल्स हो रहा है, चेहरे पे दाग धब्बा हो रहा है, घाव हो गया बॉडी में, अलग अलग पार्ट्स में घाव से परेशान है आप लोग, दोस्तों इसको आप उपयोग करें, बहुत ही नेचुरल दवा है, बहुत ही अच्छा, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत बढ़िया है, ठीक है दोस्तों। जैसे आप यहाँ पढ़ भी सकते हो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, नेचुरल ब्लड प्योरीफायर, ठीक है, मैंने बताया ना कि ब्लड का प्योरीफिकेशन करता है, ब्लड को साफ़ करता है कि नहीं, ब्लड को एकदम तीता बनाता है। अगर आप रेगुलर पियो ना, तो इसका रिज़ल्ट ऐसा है कि अगर कोई मच्छर या कोई कीड़ा काट लेता तो वो मर जाएगा, है ना। एक्चुअली मैं हुआ था, मैं कुछ दिन इस मेडिसिन को काफ़ी यूज़ किया था, साथ ही साथ मैंने नीम के पत्ते भी खाए थे, आपका जो है नीम के छाल वगैरह पिए थे, है ना, तो ऐसा सिचुएशन मेरे साथ क्रिएट हुआ कि पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, है कि नहीं, तो वो मच्छर काटते थे ना मुझे, तो मर जाते थे वो, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था मेरे साथ। खैर, अब मैं इसका यूज़ बता दूँ कैसे आप लोगों को लेना है। दोस्तों, अगर बच्चे हैं तो 5 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं, ठीक है, पानी के साथ आधा ग्लास पानी उसमें मिलाकर आप पी सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बड़े लोग हैं, ठीक है ना, एडल्ट है ना, तो उसको 10 ml सुबह शाम ले सकते हैं, या दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, अगर आपके डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं उसके अनुसार आप ले सकते हैं। और मैंने बताया कि इसको 2 ढक्कन दवा और 2 ढक्कन पानी में मिला के पी सकते हैं, या फिर ऐसे भी पी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप दोस्तों, इसका हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो दोस्तों इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज़ ये मेडिसिन आयुर्वेदिक और हर्बल है, इसलिए फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नज़दीकी डॉक्टर या आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई ऐसा है, फार्मासिस्ट है, तो आप उसे पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो, तब यूज़ करो, ठीक है। अगर मुझसे जानकारी ले सकते हैं, बिकॉज़ मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में कोई भी सवाल आपके मन में है, या मेरा वीडियो सही से समझ नहीं पा रहे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं पुनः आपका जवाब दूंगा और आपका हेल्प करूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी रहता है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।